grill. Akanabe ono ngongongo. Oh, akanabe ono Sunil. ये ना कोई ते भाई ये भी हम मेरे साथ में ये निशानेबाजी कर रहे हैं और हमारे हमारे सामने एक टारगेट है, एक बोतल का टारगेट है, तो हम देखते हैं कि उसको अचीव कर पाते या नहीं। मेरा तो तीरी बोतल तक पहुंच जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, बस यहीं तक था अपना साथ। इसके बाद में भाई ओबियस ही बात है, वो जब तक खाएगा जिंदा रहेगा, उसके बाद में उसके पास नहीं जाते थे ये लोग और वो लोग मर जाते हैं। शायद वृद्ध लोगों के साथ आज भी ऐसा ही करते हैं। या या बाबा वा ये तो भाई अपना भाई है यार। गुड 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 ब्रदर। यार ये एक चीज मैं आपको बताता हूँ यार, लास्ट रह गई थी वो। ये लोग नहाते नहीं है भाई, जब पहली बारिश होती है या जब भी इनका मन करता है ना किसी बारिश में नहाने का, तभी ये नहाते हैं, इतने नहाते नहीं है भाई। गुड मॉर्निंग गाइज, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है एक न्यू व्लॉग में आपके अपने चैनल दी हिम ट्रैकर पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यार अभी आप मेरे पीछे जो टावर देख रहे हो, क्लॉक टावर है आरुषा सिटी का तंजानिया में। और मैं अभी जा रहा हूँ यार दी लास्ट हंटर ट्राइब से मिलने, वहाँ रहने, उनके साथ एक दिन रहने, एक दिन दो दिन तीन दिन देखेंगे कितने दिन रहते हैं। और यार ये जो व्लॉग होने वाला है ना, कमाल धमाल होने वाला है, तो इस व्लॉग में बने रहो। मैं भाई यहाँ पर आया था FNB बैंक में पैसे निकालने, बट मेरे को बाद में पता चला कि FNB बैंक जिस टावर में है वहाँ से वो क्लोज हो चुका है। मैंने किसी से पूछा, उन्होंने बताया कि ईको बैंक है यहाँ, आप ईको बैंक से निकाल सकते हैं पेमेंट। तो मैंने ईको बैंक से पेमेंट निकाला, उन्होंने कोई चार्ज नहीं किया। तो आप भी अगर कभी इधर आते हैं तो काफ़ी सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे ATM हैं, बट आपको ढूंढना है ईको बैंक और FNB। अगर आपको दोनों में से कोई भी मिलना है, आप अगर आपको दोनों में से कोई भी मिलता है तो आप विड्रॉ कर सकते हो पेमेंट। अभी मैं जा रहा हूँ यार बस स्टैंड के लिए, और बस स्टैंड से अपन लेते हैं करातू के लिए बस। बसों का भी यार यहाँ पर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा भीड़ होगी बस के अंदर भी, बट मैं बिना गाइड के निकल लिया हूँ क्योंकि यार गाइड यहाँ बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। और गाइड तो क्या करेगा यार, आपको डायरेक्शन दे देगा, इधर आ जाओ उधर चल लो। मुझे मज़ा आता है अकेले ट्रेवल करने में, मैंने पूरा देख लिया है पूरा मैप कि मेरे को कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है, और मैं उसी चीज़ को फॉलो करूँगा। तो यहाँ से मेरे को बस स्टैंड जाना है, बस स्टैंड से कराटू, और वहाँ से फिर मैं देखता हूँ कोई छोटा व्हीकल लेता हूँ और डायरेक्ट पहुँचते हैं हरजाबे। हरजाबे ट्राइब में कुछ फ़ी होती है एंट्री फीस, वो भी वहाँ जाके पता चलेगा कितनी होती है। बहुत ज़्यादा है, अब मेरे को जाना है कराटू, तो मैं एक बार पूछता हूँ इनसे रेट्स वगैरह क्या रहने वाले हैं और कौन सी बस जाने वाली है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा इधर, अब भीड़ देखो यार कितनी है। तो ये है यहाँ का नज़ारा अभी आरुषा बस स्टैंड का, जहाँ से हम कराटू जाने वाले हैं। जस्ट आरुषा से निकला ही हूँ बस में, और यहाँ से अगर मैं आपको डिस्टेंस की बात करूँ, कारुटा जहाँ मैं जा रहा हूँ उसका डिस्टेंस है अराउंड 150। तो 150 यहाँ से डिस्टेंस है, तो ये बोल रहे हैं कि 3 घंटे का टाइम लगेगा। बट भाई मैं ये जो अफ्रीकन बसेज है ना, इनका टाइम मैं लगभग 1.5 गुना लेके चलता हूँ, तो ये 3 घंटे बोल रहे हैं, आराम से 5 घंटे लगेंगे वहाँ जाने में। और बस तो आपने देख ही लिया कैसे फुल पैक है, यहाँ ऐसे ही होती है, पैक होती है बसेज, ऐसे ऐसे नहीं सीट बाई सीट नहीं बैठते, बीच में भी एक सीट होती है उस पर भी बिठा देते हैं, उस पर भी डबल लोगों को बिठा देते हैं। ये दो भाई, मैं तो चलो अपनी सीट पर बैठा हूँ, इनको एक ही सीट पे 2 लोगों को बिठा दिया। How are you feeling? खुश है भाई, तो फिर दूसरी तो मतलब एक सीट पे 2 लोग बैठ के भी खुश हैं, ये सीट मिल गई वही काफ़ी है। और यार ऊपर की तो मैं क्या ही बात करूँ, ऊपर से तो पूरी हालत ख़राब है बस की, इतना मतलब बड़े बड़े लगेजेज होते हैं इनके, अपने जो बोरे होते हैं ना कट्टे होते हैं, उनको भर भर के सामान के ऊपर लाद रखा है पूरा, ऐसे वैसे हिल रही है बस।
जो भी है ठीक है यार, पहुंचते हैं, अपने को मिल गई बस। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं यार यहां के करातू, एक स्टैंड है वहां पर। और अगर मैं बस की जर्नी की बात करूं तो यार उन्होंने बिल्कुल थका दिया भाई, मेरे को तो कोने में बिठा रखा था, वहीं बैठा रहा मैं तो हिला ही नहीं। बाकी अगर एक पीछे से किसी आदमी को आगे जाना होता था तो बीच में सब लोगों को उठना पड़ता था, क्योंकि उसमें बीच में भी सीट होती है बस में। और 3 घंटे का नाम लिया था भाई, 5.5 घंटे में पहुँचाया उन्होंने फिर मेरे को। तो यहाँ के बसेज का यही है भाई, डबल टाइम लेके चलो अगर आपको कहीं भी जाना है ना, और ये बोले कि भाई इतना टाइम लगेगा तो उस उन पर भरोसा मत करो, डबल टाइम मान कर चलो। मेरे पास में एक छोटा बच्चा बैठ गया था तो उससे थोड़ा खेलने में मेरा टाइम पास हो गया अच्छा, बाकी ठीक था। रोड इनका जो मेन रोड होता है ना वही रोड होता है भाई, वो ठीक था, अच्छा था। बट इनके अगर मेन रोड से इधर उधर जाओगे तो फिर वो कच्चे रास्ते आ जाते हैं, बट हम इधर उधर गए नहीं। और यार यहाँ बसों में एक चीज़ और यूनिक होती है, और सीट बेल्ट होते हैं यार सीट पर, वो शायद हो सकता है पहले उबड़ खाबड़ जब रास्ते हों उसके लिए दिए हों। और बीच बीच में पुलिस आती रहती है पूछने कि भाई आपका सफ़र कैसा है, आप कोई दिक्कत तो नहीं है या कुछ इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही बस में। तो ये सब सही है, थोड़ा सिक्योरिटी रीजन से बीच बीच में पुलिस आती रहती है, और पुलिस भी बताती है कि भाई बेल्ट बांध के रखो, ये करो वो करो। करातू से गोरफन विलेज पहुँच कर रात भर आराम करने के बाद अर्ली मॉर्निंग मैं निकल पड़ा हरजावे ट्राइब से मिलने के लिए। सुबह का टाइम है और मैं जा रहा हूँ हरजावे ट्राइब से मिलने। हरजावे हमारे आसपास ही हैं, वो लोग यहीं पर रहते हैं और उनका कोई घर नहीं होता, वो अपनी जो पोजीशन है ना वो हल्का हल्का चेंज करते रहते हैं। देखो जैसे अभी इधर ये छोटा सा हट बना रखा है इसमें है, और भाई अभी थोड़ा डर तो लग रहा है मेरे को, बट जाते हैं और बात करते हैं। जंगल के रास्ते जाते हुए मुझे एक आदिवासी दिखाई दिया जो आग जलाकर बिल्कुल उसके पास में सोया हुआ है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास में सुविधाएं नहीं है और ये झोपड़ी में रहते हैं, और झोपड़ी में ये रात को नहीं सोते, बाहर ही सोते हैं। तो देखो ये आग के कितने पास में सोया हुआ है, कितना डेंजरस है भाई ये। थोड़ा सा आगे और चलते हुए हमें एक और फैमिली मिली जो सुबह के टाइम में सर्दी लगने के कारण आग जलाकर सोए हुए थे, और जब हमने इससे बात की तो इन्होंने बताया कि इनके जो साइड में 2 बंदे सोए हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, कुछ मतलब पेट से रिलेटेड इनको बीमारी है जिसके कारण ये लेटे हुए हैं। यहाँ पर देखो ये इन्होंने रियल है भाई, ये कोई मतलब कोई भी पशु इन्होंने हंट किया हुआ है, फिर उसकी यहाँ खोपड़ी और देखो ये सींग वगैरह यहाँ लगाए हुए हैं। कुछ आपको इधर दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, ये देखो ये, और ये सुबह सुबह आग जलाते हैं क्योंकि ये सो के जब उठते हैं ना तो ये आग जलाते हैं और वहीं पर अपनी प्लानिंग करते हैं। ओनो अकनाबे सुनील, ओनो अकनाबे न्यांगी दो। ओ भाई ओनो अकनाबे का मतलब होता है कि मेरा नाम ये है, तो मैंने बोला ओनो अकनाबे सुनील, तो ऐसे ही ये भी अपना नाम बोलते हैं। आप लोगों ने अभी जो वॉइस सुनी, ऐसी वॉइस आपने बाहुबली मूवी में भी सुनी होगी भाई। ये क्लिकेबल लैंग्वेज होती है जिसको हम नहीं समझ सकते, यही लोग समझते हैं, रूसी लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करते हैं। ओनो अकनाबे सुनील, सुनील ओनो अकनाबे दुदुकुए डुडुकोए। हरजावे ट्राइब को मॉडर्न हंटर गैदर्स बोला जाता है बिकॉज आज भी ये हंटिंग करके ही सर्वाइव करते हैं। और भाई इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो ये अराउंड 1500 टू 2000 हैं जो छोटे छोटे ग्रुप में 100 किलोमीटर में फैले हुए जंगल में रहते हैं। अभी आप जो गाना सुनने वाले हो ये गाना ये गाते हैं हंटिंग पे जाने से पहले एक सेलिब्रेशन के तौर पर। बबून की स्किन है भाई, दिस इज द स्किन ऑफ बबून, और डिफरेंट डिफरेंट स्किन लगाई हुई है, किसी ने हिरन की लगाई हुई है, हिरन की स्किन लगाई हुई है इसने, डिफरेंट डिफरेंट स्किन है उसने, जैसे अपने सर पे कुछ पहन रखा है बबून का ही। तो ये खाकू खाकू ए ए ए ना कोई तो एंथम सेलिब्रेशन के बाद में इन्होंने हमें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया अपने हथियारों का और उनको रेडी किया, और उसके बाद में ये टाइम हो गया था हंटिंग का और हम निकल गए हंटिंग के लिए।
लगभग 100 किलोमीटर में फैले इस जंगल में हंटिंग बिल्कुल भी आसान नहीं होती। इनको कटीली झाड़ियों के बीच से हंटिंग करनी पड़ती है और आप देख पा रहे हैं इनके मुखिया कितने खुश हैं अभी, बिकॉज अभी अभी इन्होंने हंट किया है। और भाई कभी कभी तो बहुत लंबी दौड़ भी लगानी पड़ती है इनको और खाली हाथ भी लौटना पड़ता है। और अभी आप देख रहे हो ये सीन, देखो कितना खतरनाक है। तो इनके कुत्ते बहुत ही जाबाज होते हैं जो हंटिंग में इनकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। और देखो हंट मिलने पर ये बहुत खुश हो जाते हैं। जनरली ये हंटिंग को या तो साइड में टांग लेते हैं या अभी जैसे ग्रिप था वैसे। और ये मेरे थोड़ा सा संघर्ष जो मैंने हंटिंग के दौरान किया है। और ये देखो हम अभी हंटिंग से इनके घर की तरफ लौट रहे हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हंटिंग जब हम करके और घर पर लौटते हैं तो उसके बाद में क्या होता है इनके साथ में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ही हंटर्स हंट करके आते हैं तो उनका घर पे कैसे स्वागत होता है। मुझे तो नहीं लग रहा कोई स्वागत हो रहा है बट ये खुद ही बहुत ज़्यादा खुश है। ये मेरा फ्रेंड है भाई, ये मेरा खास फ्रेंड है। इससे मैं आके अभी ट्राइब में था, ये आज हंट पे नहीं गया, मैं आते इससे मिला हूँ सबसे पहले। ये मेरा खास फ्रेंड है। फ्रेंड ओहो आकानाबे सुनील आकानाबे ओनो नो 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 ओ आकानाबे ओनो सुनील ये अपना खास फ्रेंड बन चुका है भाई। यहाँ पर हर जावे ट्राइब में हूँ लास्ट हंटिंग गैदर्स के साथ में और मैंने तो यहाँ पर अपने दोस्त बना लिया। आप भी आओ, आप भी दोस्त बनाओ यार। यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है बट बन जाएंगे दोस्त आप। इनके साथ में इनके जैसा बिहेव करो। आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ, देखो यार लास्ट हंटर गैदर्स हैं यहाँ पर। ये अपने तीर बना रहे हैं जिनसे ये शिकार करते हैं। तो ये कुछ ऐसे बना रहा है भाई। यहाँ पर देखो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है भाई। और यहाँ पर ये आराम भी कर रहे हैं रेस्ट। इनके पास में कोई घर नहीं है, ये ओपन एरिया में ही सोते हैं, ओपन एरिया में रेस्ट करते हैं। और इनके पास में कोई घर नहीं है, बस एक छोटी सी ऐसे झोपड़ी टाइप में बना लेते हैं वो, या वो मैंने आपको जो पेड़ दिखाया था उसमें रहते हैं। ये बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसको ये काट लेते हैं नीचे से, उसके अंदर रहते हैं। अब ये रिलैक्स कर रहे हैं भाई। और वो लड़का यार बहुत शैतान है, उसके पास जाता हूँ मैं। अकनाबे ओनो सुनील खराबे माटी लेंगे माटी लेंगे माटी लेंगे माटी लेंगे खराबे ओए ओए अकनाबे ओए ओए खराबे नांगी डो। ये शैतान है भाई एक नंबर का। देख चमड़ी पहन रखी है इसने भी शैतान बच्चा यार एक नंबर का ही। ए ओहो प्यारा बच्चा यार शैतान, मैं उन्हीं को बोलता हूँ जो बहुत क्यूट होते हैं। उनको क्यूट बच्चा है। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं यार इनके जहाँ पर तीरंदाजी का प्रैक्टिस करते हैं ये लोग, जहाँ पर इनके बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और हंटर बनते हैं। बिकॉज आप शिकार पे डायरेक्ट नहीं निकल सकते, उससे पहले आपको अपने आप को प्रूव करना होगा कि आपका निशाना बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो यार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, भाई लोग भी यू कम भाई, ये भी हम मेरे साथ में ये निशानेबाजी कर रहे हैं। और हमारे हमारे सामने एक टारगेट है, एक बोतल का टारगेट है। तो हम देखते हैं कि उसको अचीव कर पाते हैं या नहीं। मेरा तो तीर ही बोतल तक पहुंच जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। पहुंचा तो है भाई, बोतल तक पहुंचा है लगा नहीं। अब यार मेरे को निशानेबाजी आती नहीं है, लगे तो कैसे ही गा। ट्राई कर लेते हैं पूरा जोर लगा कि, तो इसमें बहुत जोर आ रहा है यार इसको खींचने में। म
मतलब मैं यार मार तो नहीं पाया, बट ये है कि भाई फर्स्ट डे तो निशाना कैसे लगेगा। बोतल रख रखी इन्होंने बहुत दूर, ये देखो मेरे पीछे पूरा नदी है ये खाली, और इधर भी ये पूरा सूखी नदी है, इसमें उन्होंने वहाँ पर टारगेट रख रखा है, और ये सारे लोग ट्राई कर रहे हैं। उस लड़के ने गिरा दिया यार, उसका निशाना तगड़ा है, मैंने देखा था वहाँ शिकार के टाइम पे भी। इसने गिरा दी यार बोतल को। तो भाई ये एक एक्टिविटी थी इनकी जिसने हमने कंप्लीट की है। अभी देखते हैं, मैं आपको आगे ले जाता हूँ और इनका दिखाता हूँ कि ये लोग कहाँ पर रहते हैं, किस टाइप से रहते हैं, और क्या इनका मैरिज का प्रोसेस होता है, सारी चीज़ बताऊँगा, बने रहो वीडियो में। अभी इन लोगों को बाय बोल रहा हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये लोग कैसे ट्रीट करते हैं। तो चलो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। इस साइड से ये कुछ लेडीज़ बैठी हैं, इनको बाय बोल देते हैं। सी आया भाई ये बोल रही हैं, सी आया ये बोल रही हैं, बाई बोल रही हैं, या सी आया। ये देखो ये खा रही हैं कुछ पका के अग्नि पे। अभी हम सब लोगों को सी आया बोलेंगे, इधर बच्चे भी हैं, और सब लोगों को अपन बोलते हुए फिर आगे निकलते हैं। तो यार ये ज़रूरी होता है कि अपने को ये भी जानना है कि इन लोगों का मतलब बिहेवियर कैसा है। मेरे को तो इन लोगों के साथ दो दिन हो गए, तो मतलब बहुत अच्छा बिहेवियर है यार, ये लोग मेरे को जानने लग गए हैं। सिया या भाई ये बूढ़ी अम्मा है इनका, इनको भी दादी अम्मा को भी बोल दे हमने, बाय बोल रहा हूँ मैं इनकी लोकल लैंग्वेज में। और यार इनका ये जो लोग है ना, बहुत ही अच्छे लोग हैं यार, दिल के, डरना नहीं है, बस इनकी लाइफ स्टाइल ऐसी है, ये जीते ऐसे हैं। ये तगड़ा हंटर है, बहुत तगड़ा हंटर है ये, यू आर गुड हंटर। यो खाते का इच्छा बाबा हुआ कभी तक। ये तो भाई अपना भाई है यार, गुड 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 ब्रदर। यार ये एक चीज मैं आपको बताता हूँ यार, लास्ट रह गई थी वो, ये लोग नहाते नहीं है भाई, जब पहली बारिश होती है या जब भी इनका मन करता है ना किसी बारिश में नहाने का, तभी ये नहाते हैं, इतने नहाते नहीं है भाई ये। अभी ये इनका कल्चर चला आ रहा है, उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो ये बारिश का वेट करते हैं कि कब बारिश होगी, कब हम नहाएं। बारिश अभी हो नहीं रही, तो अभी तो नहीं नहाएं। एक स्टोरी है ना, वो मैं आपको बताना भूल गया था, मैं आपको बोला था कि मैं बताऊँगा, वो अभी बता रहा हूँ कि इन लोगों की मैरिज कैसे होती है। जैसे कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये है, अभी ये लड़का है, अभी इसकी मैरिज होने वाली है, अभी मतलब मैरिज के लिए रेडी है। तो क्या होता है कि जो बॉय है ना, सबसे पहले तो उसको बिग हंट करना पड़ता है, अगर वो बिग हंट उसने किया है ना, तो ये लोग मानते हैं कि हाँ ये मैरिज, ये शादी के लिए तैयार है। और गर्ल्स की तरफ से जब उसको फर्स्ट पीरियड्स आते हैं, तो उसके घर वाले समझ जाते हैं कि भाई ये मैरिज के लिए, अभी इसकी मैरिज के लिए ये रेडी है। तो क्या होता है, अभी मेरी स्टोरी सुनना आपको बहुत ही अमेजिंग लगेगी। तो होता ये है कि जब बॉय बड़ा हंट कर लेता है, बड़ा हंट करने के बाद में इनके घर वाले और भाई आपस में बात कर लेते हैं, नियर बाई अच्छा सर्च करते हैं, मतलब लड़की वाले सर्च करते हैं, बहुत तगड़ा हंटर जो होता है ना उसको सर्च करते हैं। तो उनको नियर बाई, जैसे इनके कबीले होते हैं छोटे छोटे, उसमें जो बड़ा हंटर मिलता है ना, तो वो उसके पास जाते हैं और उससे अपनी लड़की की शादी की बात करते हैं। अब शादी की बात के बाद में क्या होता है कि जैसे ही उसके लड़के वाले के जो, मान लो ये लड़का है, इसके पेरेंट्स एग्री कर गए, तो एग्री करने के बाद में ये एक हट बनाएंगे उसके लिए छोटा सा, और उस हट में उसकी माँ क्या करेगी, ये जो इनका तीर कमान है ना, ये ले जाकर और रख देगी, और लड़के को बोलेगी कि, अब वो लड़का ढूंढेगा कि भाई मेरा तीर कमान कहाँ गया, तो वो बोलेगी कि जा तेरे उसमें है, मतलब भाई हट में है, तो वो हट में जाएगा तो उसको वो मिल जाता है। उसका मतलब होता है कि अब उसको बड़ा शिकार करना है, वो शादी के लिए रेडी है, वो समझ जाता है कि भाई अपने पेरेंट्स ने मंजूरी दे दी है। उसके बाद में आप जब उनकी हट रेडी हो जाती है और वो बड़ा शिकार करके ले आता है लड़का, तो लड़की वाले जब उस बड़ा फर्स्ट डे जब बड़ा शिकार करते हैं, तो लड़की वाले लड़की को लेकर आते हैं, और भाई वहाँ पर इनकी शादी हो जाती है। ऐसे कोई फेरे वेरे ऐसे नहीं होता है, और बस हैंड ओवर कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसी से इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में उन जो लड़के हैं, जो लड़का है ना, उनके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि गो एंड लिव योर लाइफ, मतलब हट में जाओ और अपनी लाइफ जियो। तो वो लड़का पहली रात बिताता है लड़की के साथ, उसके बाद वो निकल जाता है शिकार पे, निकल जाता है भाई, वो हंटिंग पे निकल जाता है, और हंटिंग में जब तक नहीं लौटता वो, अपने दोस्तों के साथ हंटिंग पे जाता है, और तब तक नहीं लौटता वो जब तक उसको बबून नहीं मिल जाता। बबून का मीट इनका फेवरेट मीट है,
तो जब तक उसको बबून का मीट नहीं मिलता तब तक वो वापस नहीं लौटता। और जब बबून का फर्स्ट जो वो शिकार करता है ना, वो यार इनके लिए कंपलसरी होता है कि जो लड़की का फादर है ना उसको गिफ्ट करके आएगा वो। अगर लड़की का फादर नहीं मिलता है तो लड़की के फादर का जो भी भाई या उस कबीले में जो भी मिलेगा वो उसको गिफ्ट करके आएगा। और उसको गिफ्ट करने वो फर्स्ट होता है कि वो मैंडेटरी होता है कि उसी को गिफ्ट करना है। और उसको गिफ्ट करते टाइम वो ये बोलते हैं कि भाई अपने पास रखो इसको खाना, या इसको बेच कर या कुछ भी करके वेजिटेबल्स कुछ भी खरीदना, खाना खरीदना। तो भाई ये कंप्लीट प्रोसीजर होता है। उसके बाद में लड़का वापस रिटर्न आ जाता है अपने घर पे और वो कंटिन्यूसली ऐसे बबूंस को मारता है। वो तो डिपेंड करता है कि कौन अपने यार मतलब अपने ससुराल पक्ष को कौन ज़्यादा कितना खुश करना चाहता है। तो लड़का अगर बहुत ही ज़्यादा खुश करना चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा बबूंस मारने होते हैं और वो कंटिन्यूसली बबूंस मार के और गिफ्ट करता रहता है लड़की के फादर को। तो भाई ये इनकी अमेजिंग स्टोरी है शादी की। और इनकी डेथ की ओर बता देता हूँ कि डेथ में ये पहले क्या करते थे कि जो डेड बॉडी होती थी ना उसको ले जाके कहीं भी जंगल में मतलब रख के आ जाते थे और उसको जो इन डिफरेंट डिफरेंट जो पशु होते हैं जो जानवर होते हैं वो खा जाते थे उसको। और एक काम और करते थे, जो ज़्यादा वृद्ध आदमी हो जाता था ना उसको ये लोग क्या करते थे कि जंगल में दूर ले जाते थे, जो चल नहीं पाता था या बहुत ही ज़्यादा वृद्ध हो गया जंगल में दूर ले जाते थे, वहाँ ले जाके उसको रख देते थे। और रखने के बाद में उसके लिए एक बड़ा हंट करके लाते थे, बड़ा हंट करके आग जला देते थे, उसको एक नाइफ दे देते थे और ये बोलते थे कि आप इसको खाओ और बस यहीं तक था अपना साथ। इसके बाद में भाई ऑब्वियस ही बात है वो जब तक खाएगा जिंदा रहेगा, उसके बाद में उसके पास नहीं जाते थे ये लोग और वो लोग मर जाते हैं। शायद वृद्ध लोगों के साथ आज भी ऐसा ही करते हैं, बट डेड बॉडीज़ को आजकल ये दफनाने लगे हैं अभी रिसेंट टाइम में, पहले ये डेड बॉडीज़ को छोड़ के आ जाते थे। तो भाई ये कंप्लीट इनके मैंने जितनी इंफॉर्मेशन मेरे से दी गई है वो मैंने देने की कोशिश की है। और लास्ट बार मैं इनको बाय बोल देता हूँ। ये इनके मुखिया हैं, ये बड़े खुश हो रहे हैं यार। ओके, मुखिया को तो बाय बाय भी करना आता है यार। चलो लास्ट बार बाय बाय बोल दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट भी कर लो और आप अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दी हिंद ट्रैकर को। थैंक यू, जय हिंद।